हाय स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिपोजिशंस के बारे में बताने वाला हूँ प्रिपोजिशन क्या होता है और प्रिपोजिशन को हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे प्रिपोजिशन इज अ वर्ड बिफोर नाउन टू शो रिलेशन बिटवीन वन नाउन और अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे सेंटेंस में सपोज एक नाउन है और एक प्रोनाउन है या दो नाउन्स है उन दोनों नाउंस या प्रोनाउन के बीच में कुछ रिलेशन है वो रिलेशन जो वर्ड हमें बता रहा है उसे हम बोलते हैं वर्ड प्रिपोजिशन इज फॉर्म्ड बाई वर्ड प्री प्लस पोजिशन विच मीन्स पोजिशन बिफोर कभी भी पी आर ई प्री जो होता है इसका मतलब होता है पहले ओके okay? अव्वल में प्री पोजीशन तो हमने उसको पोजीशन पोजीशन मतलब रखना या कहीं पर लगाना तो पोजीशन कहाँ क्या है प्री किया है उसको पहले हमने लगाया है तो यूजुअली प्रीपोजिशंस दूसरे नाउन के या पहले नाउन के पहले लगेंगे यूजुअली अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन प्रीपोजिशन को हम यूजअली नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं दे इंडिकेट Nouns, प्लेस डायरेक्शन टाइम एक्सेट्रा ये हमें क्या बताता है ये हमें नाउन का प्लेस क्या है डायरेक्शन क्या है या किस टाइम पे हो रहा है ये चीज़ें हमको बताता है प्रिपोजिशंस प्रिपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे जैसे कि एज़ इट ऑफ ऑन लेकिन आप अगर प्रिपोजिशन को सही तरीके से नहीं यूज़ करोगे तो पूरे सेंटेंस पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी देखने में छोटे शब्द हैं छोटे वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग बहुत रहती है इसकी इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है ओके okay, एग्जाम्पल देखते हैं द बॉय सैट ऑन द टेबल लड़का देखिए अब इस सेंटेंस में बॉय है यानी कि लड़का और दूसरा नाउन है टेबल ओके okay, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो रिलेशन क्या है कि लड़का बैठा है कहाँ पे बैठा है ही इज सिटिंग ऑन द टेबल ओके तो वो ऑन द टेबल बैठा है तो ऑन यहाँ पर हो जाएगा प्रिपोजिशन इन द अबव सेंटेंस द प्रिपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड द बॉय तो जो प्रिपोजिशन हमारा ऑन है वो लड़के और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है वो बता रहा है क्या क्या बता रहा है वो वेयर डिड द बॉय सिट लड़का कहाँ पे बैठा वो बैठा ऑन द टेबल टेबल के ऊपर बैठा सेकेंड एग्जाम्पल ही रन इन टू द क्लास रूम वो भागा क्लास रूम ओके तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं ही एक प्रोनाउन है और क्लास रूम एक नाउन है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि वो लड़का भागा वेयर डिड ही रन इन टू द क्लास रूम वो क्लास रूम में भागा तो इन टू यहाँ पर हो गया हमारा प्रीपोजिशन कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं आपको द बुक इज ऑन द टेबल बुक कहां पर है बुक टेबल पर है ऑन यहां पे हो जाएगा प्रीपोजिशन वी आर इन द क्लास इसमें अगेन यहां पर एक है वी जो कि एक प्रोनाउन है और दूसरा है हमारे पास क्लास क्लास यानी कि हमारी कक्षा तो इन दोनों के बीच में वी और क्लास के बीच में क्या रिलेशन है हम क्लास में हैं कहाँ पर हैं क्लास में इन द क्लास शी इज़ एट होम वो कहाँ पर है वो घर में है तो यहाँ पे एट हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज नदी बह रही है कहाँ से अंडर द ब्रिज ब्रिज के नीचे से नदी ब्रिज के नीचे से बह रही है आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जनवरी मैं जा रहा हूं कब जा रहा हूं एट द एंड ऑफ जनवरी तो ऐट यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन राज पास मी ऑन हिज बाइसाइकल राज मुझे अपने बाइसाइकिल से ओवरटेक कर गया ओके तो कैसे ओवरटेक किया उसने मुझे ऑन ऑन हिज बाईसाइकिल तो ऑन यहां पर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन जो कॉमनली यूज प्रिपोजिशन वर्ड्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिस्ट रखी रक, है आप पॉज करके इनकी एक लिस्ट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस चलिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लेके बताता हूं प्लेस और मूवमेंट का प्रिपोजिशन हम कैसे यूज कर सकते हैं मेरे पास एक बॉल है और एक बॉक्स है ठीक है एक डिब्बा है और एक गेंद है एक बॉल है इन दोनों को मिला के मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशंस को यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाए वो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में है द बॉल इज ऑन द बॉक्स बॉल कहाँ पर है बॉक्स के ऊपर है अगर बॉल नीचे चला गया तो मैं बोलूँगा द बॉल इज अंडर द बॉक्स बॉल बॉक्स के अंडर है एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ द बॉल इज ओवर द बॉक्स ओवर हम कब यूज़ करेंगे ऑन तो जब वो चीज़ और बॉक्स बॉक्स पे बॉक्स और बॉल लगी हुई है तब हम ऑन बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है ओके okay, ऊपर कहीं टंगा है बॉल तो हम बोलेंगे हैंगिंग ओवर द बॉक्स द बॉल इज हैंगिंग ओवर द बॉक्स तो बॉक्स के ऊपर लटक रहा है बॉल लटक रहा है ऐसे अगर दो बॉक्सेस हैं और उन दोनों के बीच में बॉल रखा हुआ है तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन बिटवीन द बॉक्सेस तो बिटवीन यहाँ पर प्रिपोजिशन हो जाएगा अगर बॉल बॉक्स के अंदर जा रहा है तो द बॉल इज गोइंग इन टू द बॉक्स बॉल कहाँ जा रहा है बॉक्स के अंदर जा रहा है अगर बॉल बॉक्स को फाड़ कर क्रॉस कर रहा है तो वहां पर हम बोल सकते हैं द बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स बॉल बॉक्स के थ्रू जा सकता जा रहा है और अगर बॉल उड़कर बॉक्स के उस पार जा रहा है ओके एक पार पे है बॉल और उसको फेंक रहे हैं कोई और उड़ के दूसरी पार जा रहा है तब हम बोलेंगे द बॉल इज गोइंग अक्रॉस द बॉक्स अगर बॉल जो बॉल है हमारा वो बॉक्स के राउंड घूम रहा है उसके चारों तरफ घूम रहा है तब हम बोलेंगे द बॉल इज़ मूविंग अराउंड द बॉक्स बॉल कहाँ घूम रहा है बॉक्स के चारों तरफ घूम रहा है अगर बॉक्स बॉल बॉक्स से बाहर आ रहा है तब हम कहेंगे द बॉल इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स बॉल कहाँ आ रहा है बॉक्स से बाहर आ रहा है द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स अगर बॉल को हमने बॉक्स के बगल में रखा है ओके okay, थोड़ी दूरी पर हो या उसके लग के भी रखा हो तो हम बोलेंगे द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स यहाँ पे नेक्स्ट अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स हैं वो पूरे प्रिपोजिशंस है द बॉल इज अबव द बॉक्स बॉल बॉक्स के ऊपर है तो मैंने आपको प्रिपोजिशन समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था तो होप आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई है प्रिपोजिशन कैसे यूज़ करना है प्रिपोजिशन पे काफ़ी ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है कि सेंटेंस तो सही बना लेते हैं लेकिन प्रिपोजिशन गलत लिखते हैं इसकी वजह से उनका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है ठीक है अगली क्लास में मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा तब तक आप इस वीडियो को देखिए और थोड़े असाइनमेंट्स कीजिए सेंटेंसेस लिखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख बताइए थैंक यू